बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑक्टा मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच। और जैसे कि आपके इलम में है कि ऑक्टा मार्केटिंग एक रियल स्टेट कंपनी है, आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है आपसे भी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक भी लेटेस्ट वीडियोज़ वक्त पर पहुँचती रहें। जेड एन टावर के हवाले से बात होती रहती है हमारे चैनल से, आपको जेड एन टावर्स के वीडियोज़ भी मिलते रहते हैं। हमने आपके साथ लॉन्चिंग सेरेमनी डिस्कस की और आपको बताया कि वर्किंग स्टार्ट है, और आज हम साइट पे मौजूद हैं। तो हमारे पास इसरार साहब हैं जो यहाँ पे इंजीनियर हैं, जिनकी ज़ेर निगरानी ये सारा वर्क हो रहा है। आए उनसे पूछते हैं कि कहाँ तक पहुँची ये वर्किंग और स्पीड क्या है, कब तक इसको डिलीवर कर देंगे और क्वालिटी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कुछ सवाल इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। करिए। अच्छा, ये आज जो वर्किंग स्टार्ट हुई है, जो बेड बनाया जा रहा है नीचे, इससे वर्किंग के नाम से आप किस नाम से कहते हैं कि किस स्टेज पे पहुंचे आप? ये हम ड्राफ्ट के ये जो होती है ना हमारी, ये बिल्डिंग की देख के, जी बिल्डिंग की जो है ना, ये हमारी मेन जो है ना स्टार्टिंग होती है, यानी कि इस जगह से जो है ना हम बिल्डिंग अपनी जो है वो ऊपर उठाते हैं। ठीक है, ऊपर उठाते हैं। और ये बिल्डिंग का मेन जो है ना पाया, जिसको स्ट्रेंथ हम बोलते हैं ना, ये वो चीज़ है। और इसमें हम जो कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं ना, वो 4000 PSI यूज़ कर रहे हैं, और जो स्टील है ना वो हम 60 ग्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने देखा सरिया की काफ़ी मकदार जो है वो लगी हुई है, कितने टन सरिया नीचे लग चुका है? ये हमारा 110 टन जो सरिया है ना वो हमारा नीचे लग चुका है, जिसमें 6 सूत्र का है और जो है बाकी 8 सूत्र का है। 6 और 8 सूत्र का सरिया है। मैं अपने एक पहले वीडियो में मेरी एक माइनर कैलकुलेशन थी, आम रूटीन में 90 से 95 टन सरिया जो है वो बुनियादों में यूज़ होता है, लेकिन जेड एन टावर में क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और 110 टन सरिया जो है वो बुनियादों में लगाया जा चुका है। तो आप क्या वर्किंग स्पीड देखते हैं, कब तक ये डिलीवर हो पाएगा जिस स्पीड से काम लगा हुआ? सर, हमारी कोशिश यही है कि 1 साल के अंदर जो है ना हम मुकम्मल जो है ये प्लाज हैंड ओवर कर दें। वैसे ओवरऑल तो ये 2 से 2.5 साल का प्लान बताया जा रहा था ना? ओवरऑल 2 से 2.5 साल का प्लान है, लेकिन ये ना हमारा प्रोग्राम यही है कि हम जल्दी से जल्दी जो है ना इसको ख़त्म करें, ताकि ये हमारा जो है ना प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो आप किसी और प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे। वैसे क्वालिटी के हवाले से आप क्या कहते हैं कि ताहिर जमान साहब जो हैं वो क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं करते? नहीं, क्वालिटी पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं, ना मैं करता हूँ और ना ताहिर जमान साहब कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन साइट विज़िट करना चाहे कि मैं आके क्वालिटी चेक करना चाहता हूँ, ऑक्टा मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से कोई हमारा मौजूदा कस्टमर या दोस्त पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर आता है, बाहर से आता है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और कहता है कि मैं पहले साइट पर जाना चाहता हूँ, क्वालिटी विज़िट करना चाहता हूँ, तो वो आ सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आ सकते हैं, जिस तरह मर्जी है उनकी, वो क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आज जो ये मशीन्स लगी हैं तो इसमें जो सीमेंट वगैरह ये चीज़ें डिलीवर हो रही हैं, इसकी क्या लेवल, क्या मकदार क्या बनती है? आम रूटीन में जैसे प्लस्तर में चीज़ें बनती हैं या कंक्रीट बनता है, तो ये किस लेवल पे है? ये हमारा लेवल जो है ना, ये हमारा 1.5-3 जो है ना वो हमने रेशो रखी हुई है, जो वो बनती है 4000 PSI। ठीक है, यानी कि वो हमारे बेड के जो स्ट्रेंथ है ना उसको मज़ीद मजबूत करेगी, बेड की स्ट्रेंथ को मज़ीद मजबूत करेगी। तो बेड की जो साइजिंग है वो कितने फिट है? हमारे बेड का जो हाइट है ना वो जो है हमारी 2.5 फिट है। 2.5 फिट हाइट है जी, और बाकी जो एरिया है ना वो हमारा 100x80 का है। 100x 8000 स्क्वायर फिट हमारा एरिया है। 8000 स्क्वायर फिट आपका एरिया है, 2.5 फिट इसकी हाइट है। ठीक हो गया, तो कितना टाइम लगा आपको इस पोजीशन तक पहुँचने में? ये हमें तकरीबन 1 महीना लगा है इस पोजीशन तक पहुँचने में, क्योंकि एक्सवेशन वगैरह करवानी थी, उसके बाद हमारा जो है इसके नीचे हमने वाटर बोन डाला है। ठीक है, 3 फीट तक, उसके बाद फिर हमने उसकी कंपेक्शन बाकायदा की है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने लीन वगैरह की है, और उसके बाद ये सरिये का जो है प्रोसेस किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बेड जो है वो बेड के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको? बेड के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है ये हम कॉलम वगैरह हैं और रिटेनिंग वॉल है। ठीक है जी, उसका काम हम जल्दी शुरू करेंगे इंशाल्लाह कल तक। कल तक इंशाल्लाह ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। कल से जो हमारा सरिये का काम स्टार्ट हो जाएगा, और परसों या तरसों तक जो है ना हम इंशाल्लाह इनकी रिटेनिंग वालों की पोरिंग वगैरह करेंगे। चले सर, बहुत शुक्रिया। इसरार साहब हमारे साथ थे, इसरार साहब ने हर चीज़ को बड़ा डीपली डिस्कस किया आपसे, और हम भी आपको ये कहते हैं कि जेड एन टावर 1
फैसल हिल्स में सबसे जल्द डिलीवर होने वाला प्रोजेक्ट है, मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज से महफूज तर बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं ZN टावर की साइट को विजिट करना, क्वालिटी को चेक करना, वर्किंग स्पीड्स को चेक करना, तो आप किसी भी टाइम ऑक्टा मार्केटिंग के ऑफिस से तशरीफ लाएँ, हम आपको ZN टावर 1 का विजिट करवाएंगे और आप आफ्टर विजिट अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ बनाएँ। मज़ीद तफ़सीलात, मालूमात और बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर हमारे ऑफिस तशरीफ लाएँ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।